सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ओर सबसे पहले रहने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है दिलसाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को केवल एक सेकंड के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में आपको एक सेकंड के अंदर दो तीन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर मेरा प्ले स्टोर देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करता हूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ YT स्टूडियो यानी कि YouTube क्रिएटर स्टूडियो। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो YouTube क्रिएटर स्टूडियो है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अगर इसे एक बार इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा YouTube क्रिएटर स्टूडियो है यहाँ पर ये हमारा एक सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पर अगली एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अगर यहाँ पर सर्च किया जियो ऐप और दोस्तों हमारे सामने माई जियो ऐप की एप्लीकेशन आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एप्लीकेशन भी हमारी एक सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और एप्लीकेशन एक सेकंड के अंदर इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ पेटीएम, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी पेटीएम की एप्लीकेशन आ चुकी है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इंस्टॉल पर इसे एक बार क्लिक करता हूँ और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं केवल एक सेकंड के अंदर हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे किया, दोस्तों अगर आप भी जो मैं सेटिंग बताऊंगा आप अपने फोन में करते हैं तो दोस्तों आप भी अपने मोबाइल के अंदर एक सेकंड के अंदर ही किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको ये सेटिंग बता देता हूं कि आप अपने मोबाइल में एक सेकंड के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा और दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना होगा और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड स्पेस। दोस्तों जब आप यहाँ पर सेकंड स्पेस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर गो टू सेकंड स्पेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई पिन लगाना चाहते हैं या आप इसमें कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर पैटर्न लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अपना कोई पिन भी लगा सकते हैं यहाँ पर सेट नाउ पर क्लिक करने के बाद। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर अभी इसमें कोई पैटर्न नहीं लगा रहा हूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसे एक बार स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अब दोस्तों अब आप अगर चाहें तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर इसे स्किप करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये स्किप कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर ये जो ऊपर की तीनों सेटिंग है इन्हें नहीं छेड़ना है, आपको यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने देना है। आपको यहाँ पर एक बार ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों होगा क्या, आपका सेकंड स्पेस ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक बार मूव डाटा पर क्लिक करना है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको आपसे यहाँ भी एक बार अपना जो पिन मांगा जाएगा, यहाँ पर आप वो पिन डाल सकते हैं जो आपने अपने मोबाइल में ऑलरेडी ही लगाया है, या तो आपसे यहाँ पर पिन मांगा जाएगा या फिर आपसे यहाँ पर पैटर्न मांगा जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे पास यहाँ पर पैटर्न है तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने मोबाइल का जो पैटर्न है वो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब आप अपना पैटर्न ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर केवल ऐप सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर जो आपके मोबाइल की एप्लीकेशन है ऑलरेडी आपको यहाँ पर अपने मोबाइल की सारी एप्लीकेशन दिखाई देंगी जो कि आप एक सेकंड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको इसमें सेटिंग क्या करनी होगी, आपको इस एप्लीकेशन के सामने दिखाई देगा आपको यहाँ पर फर्स्ट स्पेस। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे जो यहाँ पर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है यहाँ पर मैंने बूट स्पेस किया है, यानी कि दोस्तों अगर आप इस सेकंड में अपने एप्लीकेशन के आगे बूट स्पेस कर लेंगे तो दोस्तों आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पर सेकंड स्पेस बंद करने के बाद जब आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो दोस्तों आप उस एप्लीकेशन को एक सेकंड के अंदर ही इंस्टॉल कर पाएंगे, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन सेव हो जाती है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ऐप बैकअप के सामने फर्स्ट स्पेस पर अगर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पर एक पॉपअप सा आ जाता है। आपको यहाँ पर नीचे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पर फर्स्ट स्पेस मिलेगा और दोस्तों अगर आप यहाँ पर नीचे की देखेंगे तो आपको यहाँ पर बूट स्पेस दिखाई देगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर बूट स्पेस ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को अपना सेकंड स्पेस बंद करने के बाद इस एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को एक सेकंड के अंदर ही इंस्टॉल कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर बूट स्पेस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने आइकन क्रिएटेड सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है और आपके एप्लीकेशन बूट स्पेस में ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जियो टीवी पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ और दोस्तों मैं यहाँ पर भी एक बार बूट स्पेस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर माई जियो एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ और दोस्तों इसमें भी मैं यहाँ पर एक बार बूट स्पेस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इसे बैक कर लेता हूँ और दोस्तों मैं यहाँ पर अगर स्विच पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना सेकंड स्पेस बंद कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अपना सेकंड स्पेस यहाँ पर बंद कर लिया है और दोस्तों मेरे मोबाइल में से सेकंड स्पेस बंद हो चुका है और दोस्तों मेरा मोबाइल यहाँ पर पहले की तरह हो चुका है। अब दोस्तों
दोस्तों मैं यहाँ पर पहले अपनी एप बैकअप की एप्लीकेशन को अनस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी जियो टीवी की जो मेरी एप्लीकेशन है मैं यहाँ पर इसे भी अनस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों अब हम प्ले स्टोर में जाकर देख लेते हैं कि जो हमने एप्लीकेशन यहाँ पर अनस्टॉल की है ये क्या वाकई हमारी एप्लीकेशन एक सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक बार प्ले स्टोर पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एप बैकअप और दोस्तों मैं यहाँ पर पहले स्टॉल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक्सेप्ट पर एक बार क्लिक करता हूँ और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन एक सेकंड के अंदर ही इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जियो टीवी की एप्लीकेशन सर्च कर लेता हूँ और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जियो टीवी की एप्लीकेशन आ चुकी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इसे एक बार अगर इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो जियो टीवी की एप्लीकेशन है वो भी हमारी जियो टीवी की एप्लीकेशन एक सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसमें होम पेज में आ जाते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल का सेकंड स्पेस ओपन करते हैं दोस्तों या आप उसे बंद भी कर देते हैं दोस्तों होता क्या है आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन में सेकंड स्पेस दिखाया जाता है। दोस्तों आप इसे हटा नहीं सकते, आपने बहुत सारी कोशिश की होगी अगर आपने कभी सेकंड स्पेस यूज किया है अपने फोन में। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस सेकंड स्पेस को बंद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं सेकंड स्पेस को। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो सेकंड स्पेस है वो ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पर मैनेज सेटिंग पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको सबसे नीचे यहाँ पर डिलीट सेकंड स्पेस लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको सिंपल एक बार यहाँ पर क्लिक करना है और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करना है और दोस्तों उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है, आपको केवल यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे ऊपर नोटिफिकेशन में सेकंड स्पेस नहीं दिखा रहा है, हमें हमारी जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर सेकंड स्पेस लिखा हुआ नहीं आ रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम एक सेकंड के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और दोस्तों आप ये भी समझ गए होंगे कि हम नोटिफिकेशन बार से सेकंड स्पेस को कैसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों YouTube के नए एल्गोरिथम के हिसाब से अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है और दोस्तों आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो दोस्तों आप जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नहीं तो इसके बिना मेरी किसी भी नई वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में।